सारा धनम, सारा लाज सब घोर के पे गया मेरे प्यारे। और इंसान कर क्या रहा है जानते हो? आजकल बड़ा सुंदर भजन है कि सब धर्म लाज दे छोड़ी इंसान, और सब धर्म लाज दे छोड़ी, और सब धर्म लाज दे छोड़ी, परानी सर पाप के गठरी लाद लियो। इतना पाप कर रहा है, इतना पाप कर रहा है इंसान कि बेचारा पुण्य करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। इसलिए खिलाड़ी भैया कि सब धर्म लाद दे छोड़ी, परानी सर पाप की गठरी लाद लियो, सब धर्म लाद दे छोड़ी, परानी सर पाप की गठरी लाद लियो। सब धर्म लाज दे छोड़ी, सब धर्म लाज दे छोड़ी, सब धर्म लाज दे छोड़ी, परम सर पाप की गठरी लाद लियो। सब धर्म लाज दे छोड़ी, पराने सर पाप की गठरी। लेकिन भैया संजय सिंह भैया जी, अरे तो हरि ने भेजो दुनिया में, अरे तो हरि ने भेजो दुनिया में, तूने हरि को दियो बिसारी, परम सर पाप की गठरी लाद लियो। हरि ने भेजो दुनिया में, तूने प्रभु को दियो बिसारी, परम सर पाप की गठरी लाद लियो। भैया तो हरि ने भेजो दुनिया में, और तूने प्रभु को दियो बिसारी, पराने सर पाप की गठरी। और क्या किया तूने? और तेरे माता पिता ने जन्म दिया भैया खिलाड़ी, और तेरे माता पिता ने तो को जन्म दियो, और तूने लीनो मुखड़ा मोड़ी, परानी सर पाप की गठरी लाद लियो। राम लाज दे छोड़ी, पराने सारा पाप की गठरी लाद लियो। जन्म दियो और तूने लीनो मुखड़ा मोड़, पराने सर पाप की गठरी लाद लियो। और का किया तूने? और तो ज्ञान दियो तेरे सतगुरु ने, जय हो, और तो को ज्ञान दियो है तेरे सतगुरु ने, और तूने गुरु को दियो बिसारी, पराने सारा पाप की गठरी। तो ज्ञान दियो तेरे गुरुवर ने, तेरे आजकल ऐसे चेला हो गया
जस कने थोड़ा पाइन बस निकरे। पहले कहे गुरुजी और जहाँ थोड़े पंख जमे बस समझ लो अपने आप फिर गुरुजी समझे लागे। गुरु गुरु रह गए चेला शक्कर बने लागत कबूतर का बेटा। तो ये ज्ञान दियो तेरे गुरुवर ने तूने लीनो नाता तोड़ी तारा ने सारा पाप की गटर रे तो एक ज्ञान दियो तेरे सतगुर ने और तूने लीनो नाता तोड़ पराने सर पाप की गठरी और का किया तूने। और तेरी सेवा की नहीं तेरी दुल्हिनी ने भैया खिलाड़ी। अरे तेरी सेवा की नहीं तेरी पत्नी ने तूने बोले झूठे बोल परानी सारा पाप तेरी सेवा कीनी तेरी पत्नी ने और तूने बोले झूठे बोल परानी सर पाप की गठरी। अजय भैया सोने सन की जेले हम कह रहे तुमसे। और शैलेंद्र दास करो न दुनिया में धोखा। अरे कहे शैलेंद्र करो ना दुनिया में तुम धोखा नहीं हो जाए तोरे को पड़ाने सारा पाप की गटरी लादन। क्योंकि किसी ने कहा है भैया कि गुरु ते कपट मित्र ते चोरी और जा हो अंदरा जा हो चोरी। अरे शैलेंद्र दास ना करो दुनिया में धोखा नहीं हो जाए तेरे को पराने सारा पाप की गटरी ना आज का कार्यक्रम चल रहा है ग्राम बरकताबाद में। मेरे भगवत प्रेमियों ये कार्यक्रम आप KS म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और हमारे भजन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर करके हमेशा इसके लिए इसकी सदस्यता लेकर के इसका आनंद लेंगे आप लोग। सब धर्म लाज दई छोड़ परा निसरा पाप की गटरी लादती बोले सतगुरुदेव भगवान की श्री भागवत महापुराण की। सुधे जी ने सारा किया कि राजन परीक्षित आज भगवान कन्हैया को जब ललिता भागवती ने पकड़ लिया तो हाथ को पकड़ करके आज ले करके जैसे ही चली है यशोदा मैया के पास में तो मेरे भगवत प्रेमी याद रखना। हेलो सूखा सूखा लगा दियो यार। जैसे ही भगवान कन्हैया का हाथ ले करके ललिता आधे रास्ते पे पहुंचा है
तो एकदम से भगवान कन्हैया ने विचार किया कि अगर जो आज मैं रंगे हाथों पकड़ लिया हूं और अगर जो ये ललिता हमें लेकर के मैया के पास में जाएगी तो मैया अगर जो जान जाएगी तो हमें बहुत मारेगी। तो भगवान कन्हैया ने रास्ते में लीला रची है और जैसे ही लीला रची तो भगवान कन्हैया ललिता से कहा, ओ ललिता जय, एक काम कर ले, ए ये मेरी नाजुक कलाई है, मेरी नाजुक कलाई है, कहीं उतर ना जाए, एक काम कर दे, जरा मेरे इस हाथ को छोड़ करके इस हाथ को पकड़ ले। मेरे भगवत प्रेमी ललिता समझ नहीं पाई भगवान की चालाकी को, वो तो सोच रही थी कि वास्तव में सही कह रहा है ये कन्हैया, और भगवान की माया को समझ नहीं पाई वो ललिता। और जैसे ही ललिता ने लंबा घूंघट करके भगवान कन्हैया के हाथ को छोड़ करके दूसरा हाथ पकड़ने का प्रयास किया तो भगवान कन्हैया ने क्या किया, अपना हाथ छुड़ा करके उसी के बेटे छुदामी का हाथ पकड़ा दिया। समझिए चाचा। और जैसे ही छुदामी का हाथ पकड़ाया भगवान कन्हैया ने तो लंबा घूंघट था माताएं, मैंने लंबा घूंघट के वजह से ललिता समझ नहीं पाई मामला क्या हुआ और एकदम से भगवान कन्हैया पीछे के रास्ते से जा करके घर में घुस गए। और उसी समय ललिता ने भगवान कन्हैया समझ करके अपने पुत्र को लेकर के सामने खड़ा कर दिया मैया के दरवाजे के पास में और आवाज लगा करके बोली है, मैया मैया दरवाजा खोलो, ओ मैया यशोदा अरे दरवाजा खोलो, अरे तुम्हारा लाल मेरे घर में माखन चोरी कर रहा था, अरे मैया दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। और एकदम से ललिता ने आवाज लगाई और जैसे ही आवाज लगाई तो यशोदा मैया घर में काम कर रही थी, विचार किया अरे अरे ये सुबह सुबह कौन आ गई उलहना लेकर के। और जैसे यशोदा मैया दरवाजे को खोल करके बाहर आई तो देखा क्या, एक ग्वालनी खड़ी है जोर जोर से शोर मचा रही है। क्या कह रही वो, कि बेहद चंचल चालाक चतुरे माई रे कुंवर कन्हाई है, ओ देखे तो तनिक बालापन में इस बद में धूम मचाई है, पुत्र देखो मेरे घर में माखन चोरी कर रहा था और मैंने उसको रंगे हाथों से पकड़ा है। क्या बोली लगता, देखो तो से आवाज लगा करके बोली है ललिता की, मैया ये तेरा कन्हैया मेरे घर में चोरी कर रहा था, देख मैंने इसको रंगे हाथों से पकड़ा है। और जैसे यशोदा मैया ने कहा कि तेरे कन्हैया को मैंने पकड़ा है तो एकदम से यशोदा मैया ने ऐसे करके देखा और जैसे यशोदा मैया ने देखा, अरे ये आली कह रही तेरा कन्हैया है और ये तो मेरा कन्हैया नहीं बल्कि इसी का पुत्र है। तो एकदम से यशोदा मैया ने समझा करके जवाब दिया, और आली यशोदा ने हंस कर कहा, ए आली घूंघट ताल देख जरा पीछे पलटे तेरा लाल कि मेरा लाल। जैसे यशोदा ने कहा कि ओरी आली जे अपने घूंघट को उठा और देख तेरा लाल कि मेरा लाल, और जैसे ललिता ने इतना सुना तो एकदम से घूंघट को ऊपर टाला और टाल के जैसे पलट के देखा तो कन्हैया नहीं है उसी का पुत्र खड़ा। तो एकदम से ललिता ने खींच के तमाचा मारा और कहा, नालायक तू कहां मर गया, अरे बहुत दिनों के बाद मैं तो पकड़ा था श्याम को। तो एकदम से छुदामी का लगा, मम्मी हम का गाय मार रही हूं। और तब तक भैया जैसे ही भगवान कन्हैया ने मौका देखा तो भगवान कन्हैया एकदम से आंखें मीचते हुए उंगाते हुए बाहर निकले और बोले, मैया ओ मैया बड़ी जोर से भूख लगी से माखन मिश्री दे दे। जैसे ललिता ने कन्हैया को देखा तो एकदम से दाती को पीस करके जवाब दिया, मेरे भगवत प्रेमियों, मैया ए
मैया ये जो तेरा कन्हैया है ये बहुत चलाक हो गया है और मैंने इसको अपने घर में रंगे हाथों पकड़ा था। और एक दिन से ललता ने कसम उठा करके जवाब दिया, मैया मैया सुन ले मेरी बात, कि मैया साची गोधन की है और कसम मुझे यमुना की है और जो कुछ तू ये देख रही इस मोहन की चाल है। मैया मैं कसम खा सकती हूँ यमुना मैया की, मैं कसम खा सकती हूँ अपने पुत्र की और जब तू ये देख रही इस कन्हैया के चालाकी है मैया, कुछ पता नहीं इस चंचल ने अपने हाथ को किस जगह है और किस तरह मैया मेरे पुत्र का हाथ दहाई है। एक दिन से मेरे भगवत प्रेमियों आवाज लगा करके ललता ने जवाब दिया, मैया मैं यमुना मैया की कसम खा सकती हूँ अपने पुत्र के ऊपर सिर रखती हूँ, ये जो तेरे कन्हैया खड़ा है ना ये बहुत चंचल है बहुत चतुर है मैया, इस कन्हैया को मैंने अपने हाथों से पकड़ा था अपने घर में लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है अरे इस रास्ते में न जाने इस कन्हैया ने मुझसे कहा कि ये हाथ छोड़ करके ये हाथ पकड़ लो, मुझे दया आई मैंने इसका हाथ छोड़ दिया मैया, उसी जगह इसने चालाकी के मेरे पुत्र का हाथ पकड़ा दिया। लेकिन मैया मैं अपने पुत्र की कसम खा के कह रही हूं तेरे कन्हैया ने मेरे घर में माखन चोरी की है। और ये जैसे ललता ने कहा तो मैया सदा ने जवाब दिया, ओरियाली देख ऐसे झूठे उले न लेकर के मेरे दरवाजे पर मत आया कर और मेरा कन्हैया बड़ा सलोना है बड़ा ईमानदार है ये माखन चोरी क्यों करेगा। और एकदम से मेरे भगवत प्रेमी उतना कह करके ललता चली गई। उसी समय अजय यशोदा मैया भगवान कन्हैया को लेकर के और हमारे आदरणीय सुमित चौरसिया जी उनकी तरफ से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है भगवान के चरणों में परमात्मा के लिए करता रहे भंडार भरता रहे। उसी समय मेरे भगवत प्रेमी एकदम से यशोदा मैया ले जाकर के भगवान कन्हैया को माखन मिश्री खिलाने लगी। इस तरीके से भगवान कन्हैया आज पूरे ब्रज में माखन चोर कह करके बुलाए जाने लगे। एक बार जोरदार जयकारा लगाइए, बोले माखन चोर भगवान की, बोले श्री भागवत महापुराण की। चप्पल चुरा गए? हाय भगवान, जे गांव तो बहुत देखे।